दिस क्रूज जिसमें हम चैंस वन आइलैंड टूर करने वाले हैं। ये नहीं स्पीड बोट है, नहीं बिग बोट है, नहीं टील बोट। तो चलो फटाफट जाते हैं अंदर छोटे छोटे के रूम में। तो ये हम यहाँ पे 2 PM को हम यहाँ पे आए, तो ये जैकपॉट आइलैंड टूर पूरा है ना, वहाँ पे वो लोग क्राउड खाली होगा। तो सबसे मुझे जो बेनिफिट लगा था वो ये लगा। वेलकम बैक, कहाँ चले आप, कहाँ चले? वेलकम बैक, दिल से दिल की बात सुनने वाला आपके यूट्यूब चैनल में राधे विश्वभाई ब्लॉग में आप सब लोग का स्वागत है। फुकेट थाईलैंड टूर, जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर एक टिल बोट में होती है, लो बजट में होता है, वो 1000 baht के नीचे हो जाएगा। सेकंड होता है अपना बिग बोट, बिग बोट में आपका 1200 baht के आसपास में वो फिनिश हो जाएगा। बाद में तीसरा होता स्पीड बोट, तीसरा होता है स्पीड बोट 1300 baht के आसपास में। और ये जो बोट, ये बोट नहीं, ये पूरी क्रूज है, ये पूरी नई क्रूज है, न्यू लॉन्च हुई क्रूज है। वो जो क्रूज है वो एकदम नई लॉन्च हुई है और उसका लुक लाजवाब है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन इस क्रूज में आपको 5 islands मिलने वाले हैं। 5 islands। तो पहले थोड़ा सामान ले लेते हैं क्रूज में, यहाँ थोड़ा सामान ले लेते हैं ना पहले। तो आज कौन सा लेना है वो भी आप बताओ बाद में, कौन सा लेना है, चैंग लेना है, लियो लेना है, टाइगर लेना है। हमारी कार आ चुकी है जिसको बोलते हैं मिनी वैन, शेयरिंग मिनी वैन। इसमें ना 7-8 जन आएंगे और ये हमें ले जाएंगे जो टूर पे। बहुत बड़ी कार होगी, बहुत बड़ी है। रात को 2 बजेंगे तो सुबह ऐसी हालत होती है। टोटल मेरी कार में ना 8 पर्सन है, 8 पर्सन है। और हब हम लोग जाने वाले हैं कौन सा पियर, पियर नेम आउपो, आउपो पियर, वो 30 मिनट में आ जाएगा। आउपो पियर ये जो है, ये है आउपो पियर, आउपो पियर। और यहाँ पे करना पड़ता है चेकिंग। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आना चाहो तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये टूर, क्योंकि आधा घंटा लगा यहाँ पे आने में, आधा घंटा जितना लग गया यहाँ पे आने में, तो आप ये टूर ही प्रिफर करो तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सबका चेकिंग हो रहा है, ये देखो चेकिंग हो रहा है सबका। और बाद में यहाँ पे आपको ये सब फ्री अवेलेबल है, स्नैक्स, चाय, कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्रेश जूस। ये है ना, हम लोगों ने वो मोबाइल के लिए ले लिया कवर, ओनली 100 baht में। फॉर आवर प्रोग्राम, आवर एक्विशन टुडे, वी विल से जेम्स बॉन्ड आइलैंड। सो जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये है हमारी बोट, ये बोट में जाना है, ये बोट में जाना है। मजाक कर रहा हूँ, ये बोट थोड़ी है कुछ, ये बोट नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। हमें इस छोटी संथाई जो हमको पियर पे लेके जाएगी। जिसमें हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर करने वाले हैं। ये नहीं स्पीड बोट है, नहीं बिग बोट है, नहीं टील बोट है। जो पहले आपको जो बताया, जो पहले ही आपको बताया कि इसको स्टार्ट हुए सिर्फ 6-7 महीना ही हुआ है, तो ये है वो क्रूज। यहाँ पे ये लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप? बस आप खाने ही खाते रहो, खाने ही खाते रहो, दूसरा मत कुछ भी मत करो। रेप स्टार्ट, एक्सलेंट, बेस्ट। इसमें दोपहर का लंच भी इंक्लूड है, लंच में भी क्या क्या वो आपके साथ में शेयर करूंगा, खाना है सब कुछ इंक्लूड है। तो वो दोपहर को 1:30 या 2 बजे स्टार्ट होगा।
क्रूज चला रहा है वो है, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, नेम शान, शान अभी लास्ट जो गो टू पार्टी एंड बियर टाइम, ओके बियर टाइम, बियर जाएगा टामी में, टामी में अब स्टार्ट होगी थोड़ी देर में वाड़े एंड वाड़े बल्गेरिया इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सब आइलैंड्स है, ये सब आइलैंड्स है। अभी वाटर कितना क्लीन है, ये देख लो सही, वाटर कितना क्लीन है। साकी अब दिख चुकी है वीडियो में, साकी दिख चुकी है, साकी का बैग गुम हो चुका है, वो मिल चुका, आखिर में मिल चुका है साकी का बैग, इसलिए वो टेंशन में थी। ड्राइवर का फोन आ चुका है, आ चुका है, दोपहर के बजे है, वैसे कितने ढाई बज चुके हैं, नहीं सॉरी डेढ़ बज चुके हैं, 1:30 खाना स्टार्ट। इसमें वेज और नॉन वेज दोनों इंक्लूड है, लॉलीपॉप है, प्याज के भजिए भी है और नूडल्स भी है, वेज फ्राई राइस है, बाद में स्टीम राइस है। वैसे देखने जाए तो वेज और नॉन वेज इसमें दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। ये भी है हमारे पैकेज में इंक्लूड है। ये जो फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है ना वो कोफंगा बे, कोफंगा बे डेजर्ट में आप फ्रूट भी खा सकते हो। खाना सच में बहुत अच्छा है, चिकन लॉलीपॉप भी है, बाद में ये चिकन टिक्का बोले, चिकन टिक्का भी बहुत बढ़िया है, ये जो पिज्जा ये सब चिकन का, चिकन फ्राइड राइस है, वेज फ्राइड राइस, बाकी तो पाइनएप्पल ही खा रही है, लेकिन खाना सच में बहुत अच्छा है। ये ट्रिप देखने जाए तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिप है और बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम रेट में आपको यहाँ से पिकअप भी कर लेंगे, आपकी होटल पे से पिकअप भी कर लेंगे और आपकी होटल पे से ड्रॉप भी कर लेंगे। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर आप इसमें भी कर सकते हो। ये है यॉच, ये देखो, ये क्रूज पे आने का बेनिफिट क्या है कि हमारा जो ट्रिप स्टार्ट हुआ ना वो ट्रिप स्टार्ट हुआ 11 बजे, हमको 10:30 बजे पिकअप किया और 11 बजे हमारा 11:30 ट्रिप स्टार्ट हुआ। जैसे ये बिग बोट है, स्पीड बोट है, बाद में जो कई सारे जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर है ना वो 8-9 बजे स्टार्ट हो जाए। ये देखो सब रिटर्न हो रहा है, ये देखो ये सब क्रूज है ना वो रिटर्न हो रही है। और जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर पे सुबह 10 से लेके 12-1 बजे तक बहुत ही क्राउड रहता है, 2 बजे तक बहुत क्राउड रहता है। और ये हम पहुँचे, देखो कितने बजे पहुँचे यहाँ पे, 2 बजे हम यहाँ पे, 2 PM को हम यहाँ पे आए। तो ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर पूरा है ना वहाँ पे वो लोग क्राउड खाली होगा। तो सबसे मुझे जो बेनिफिट लगा था वो ये लगा कि सुबह का क्राउड अभी यहाँ से निकल रहा है और हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसका बेनिफिट ये है ये टूर का। देखो उस साइड पे धूप आ रही है, ओहो ये वहाँ पे धूप है, और यहाँ पे देखो वाह स्पीड बोट, ओहो जाएंगे टिल बोट में, टिल बोट में जेम्स बॉन्ड आइलैंड तक। ये बाद में ये जो बिग बोट है ना ये बिग क्रूज वो जाती नहीं है, तो ये टिल बोट हमारी जो क्रूज है वो जेम्स बॉन्ड आइलैंड तक जाती नहीं है, उससे 5 मिनट पहले ये छोटी छोटी बोट में वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं और वापस अपनी क्रूज पे हम सब आ जाएंगे। ये है हमारी क्रूज जिसमें हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड आए और बाद में ये छोटी बोट में जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड। Yeah.
Yes. But now we 2 months late from here. Chalo! Chalo! Help me! यो यहाँ पे बहुत सालों पहले जेम्स बॉन्ड शूटिंग हुई थी, तब से ये आइलैंड फेमस हो चुका है, तब से जेम्स बॉन्ड हो रहा है। यो वाव, यहाँ पे कई सारे स्टॉल है जो परचेस कर सकते हो आप। यस, फॉलो मी। कई लोग वहाँ पे स्विमिंग करके भी जाते हैं। नाइस। कम रिचू, यहाँ यहाँ पे क्या इंग्लिश निकल जाता है मुंह में से, सब आजू बाजू मेरे फॉरेनर्स है, इसके लिए अपने आप इंग्लिश निकल जाता है। यह है कुछ नज़ारा जेम्स बॉन्ड का। आधे तो चले गए, आधे तो पूरे चले गए, अभी आधे जाने बाकी है। ये ऊपर स्टेप जाना पड़ेगा और ऊपर से आपको दिखेगा पूरा जेम्स बॉन्ड आइलैंड। देखो छोटी 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 गलियां, छोटे 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 रास्ते, 5 मिनट का रास्ता है और आप पहुंच जाओगे। This is the cave. ये जो पानी आ रहा है ना, पानी वो ऊपर से आ रहा है। ओहो, शामर चिल्ली की आवाज। अब हम फटाफट केव में जाएंगे और डेव करेंगे और ओहो अभी डर लग रहा है। क्या होगा। ये पूरा नीचे अंदर खड्डा है, पूरा अंदर रास्ता है, जाना है, चलो जाते हैं। चलो फटाफट जाते हैं अंदर, छोटे छोटे केव में, स्लोली। बहुत टफ है लेकिन जाना जरूरी है, जाना तो पड़ेगा। आप ट्राई करो तो बी सेफ। ये ऊपर देखो, ऊपर ही है ये, बी सेफ। ओह गिर गया, वाओ अमेजिंग। ये छोटे छोटे केव में जरूर से आना, बहुत मजा आएगी। और ये रास्ता फिनिश। अब जाने वाले हैं कनॉय, जेम्स बॉन्ड आइलैंड को देख लिया। अब जाने वाले छोटी सी बोट में कनॉइंग करेंगे छोटी सी बोट में। ये सब हमारे साथीदार आ चुके हैं, ये सब हमको कनॉइंग कराएंगे। वेलकम टू होंग आइलैंड। नमस्ते इंडिया।